दोस्तों हम इको पॉइंट से निकले थे, आगे जा रहे थे दूसरे पॉइंट पे, ये थे। गौर से देखो गाइस, तो थोड़ा जूम करते हैं। ये है यहाँ का सांप भाई, खतरनाक कौवा है, अटैक भी कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं सुशील आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ, और ये इतनी शर्माते हुए क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्लॉग पे आ रही है, और ये पहली गाइस की सोचना मत। और हम आ चुके हैं आज माथेरान मंकी पॉइंट पे बैठे हुए हैं। ये हमारा मतलब यहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने रस्ते का और होटल का कुछ भी व्यू नहीं लिया हूँ अभी तक, मैं यहाँ से फर्स्ट मतलब यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। सो गाइस बने रहे वीडियो में, और आज हम माथेरान का पूरा जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को हम कवर करने वाले इस वीडियो में। सो बने रहेगा इस वीडियो में, आज देखते हैं कहाँ तक और कितना कुछ। फर्स्ट टाइम वीडियो में आई है तो हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चलो देखते हैं आगे। तूफान चल रहा है और आवाज पता नहीं आ रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा, पता नहीं। तो अभी हम क्या ही खूबसूरत भी हो यार। तो दोस्तों ये अभी तक का जो भी ये जितना भी वीडियो हुआ है एक दो मिनट का, ये सिर्फ मंकी पॉइंट का ही है व्यू। और अभी हम आगे जाएंगे, जो कि मैंने बोला बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट को जाएंगे, और यहाँ का काफ़ी खूबसूरत व्यू जो कि पॉइंट आप लोगों को दिखाते रहेंगे। हाँ यही तो बने रहे वीडियो में, काफ़ी बड़ा है ये मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट बोले तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ मंकी पॉइंट से हार्ड पॉइंट जा रहे हैं, जो कि यहाँ का व्यू आप लोगों ने देखे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। सो अभी हम आगे जा रहे हैं और ये डांस करते हुए काफ़ी नज़ारा। तो चलो अभी मंकी पॉइंट देखते हैं।
फिर उसके मंकी पॉइंट बाद गाइस हम लोग जाएंगे अपने होटल पे, जो कि वहाँ पे हम खाना पीना खाएंगे, वहाँ से वापस निकलेंगे इको पॉइंट और बहुत सारा पॉइंट है जो कि मुझे नाम नहीं याद है, तो वहाँ जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत व्यू है गाइस, और ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ओए यार कुछ भी बोलो, आप लोग आओगे पैसा वसूल होगा, पूरा पैसा वसूल होगा, जरूर आओ घूमते जाओ और एंजॉय करो। घुटनों में दर्द हो गया। गाइस अभी हॉट पॉइंट पहुंचने वाले हैं, और ये हमारे सुजीत भाई जो कि उड़ीसा से आए गाइस माथेरान घूमने के लिए, काफी ज्यादा दूर से। मैं बोल रहा हूँ कि और सुजीत भाई भी यहाँ पे आए घूमे, ठीक है, इसका नजारा मस्त है, बहुत अच्छा है भाई, ठीक है, और देखते हैं आगे। जो कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और व्यू देखो भाई यहाँ का भी, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और काफ़ी ज़्यादा व्यू है यहाँ पे। गाइस बारिश फॉग रहता है, आज फॉग नहीं है क्योंकि आज कम बारिश है, बहुत फॉग होता है यहाँ पे। सो ये छोटा सा ही है, अभी यहाँ से चलते हैं, और आप लोगों को यहाँ पे खाने पीने के लिए नाश्ता वगैरह मिल जाएगा, ठंडा भी मिल जाएगा यहाँ पे आने के बाद। सो गाइस आप लोगों को छोटी सी एक बात बता देता हूँ, जब आप लोग माथेरान आएंगे मुंबई से या कहीं से भी आएंगे, तो आपको अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो लोकल ट्रेन पकड़ के सीधा नेरल आना है, नेरल से आपको टैक्सी मिल जाएगी 100 रुपये सीट ला के माथेरान छोड़ेगी, और गाड़ी से भी आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे होटल वगैरह भी एकदम आराम से मिल जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों अभी हम दो पॉइंट घूम के आ चुके हैं, और ये अभी हम अपने होटल पे आ चुके हैं, होटल के आजू बाजू का व्यू देखो काफ़ी खतरनाक है, और यहाँ पे गाइस कितने लोग भी आ सकते हो, एक इंसान का 1500 रुपये है, उसमें खाना वगैरह सब है, और काफ़ी अच्छा होटल है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मार्केट में, और ये देखो मार्केट में लिखा हुआ आई लव माथेरान, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग रहता है। और ये है स्टेशन, सामने जो नेरल और माथेरान लिखा हुआ है वो स्टेशन है, और ये टाइगर, और ये व्यू, और यहाँ पे घोड़े वगैरह हैं, ये होटल है, और उसके बाद ये पूरा मार्केट है गाइस। अभी हम यहाँ से पॉइंट जाएंगे इको पॉइंट, क्योंकि हम लोग होटल पे मंकी पॉइंट से और जो दूसरे पॉइंट पर सर्विस गाइस मैं भूल गया, वहाँ से हम लोग खाना पीना खा के अभी होटल पे जाके खाना पीना खा के वहाँ से आए, हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से हम जाएंगे मार्केट, मतलब मार्केट से होते हुए आगे भी पहुँच गए, हम आ चुके हैं इको पॉइंट, और इको पॉइंट पे भी आपको नाश्ता वगैरह कुछ भी खाने के लिए मिल सकता है, और यहाँ का व्यू देखें। भाई ये इको पॉइंट है, और यहाँ पे एक बार आवाज बोलेंगे तो 4 बार रिटर्न आता है, इतना इको होता है। बारिश आया, बारिश बहुत हो गया, मैं चिल्ला एक बार फिर से, नहीं आया पर इस बार आया।
आ पा रहा पूरी प्रतीक्षा ये चला था But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just there, cause the flames won't burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. So, we were going to go from one point. We were going to go to the other point. गौर से देखो गाइस, रुको थोड़ा जूम करते हैं। लगता है ये समझ। ये है यहाँ का सांप भाई, खतरनाक कौवा हुआ है। तो देखो अटैक भी कर सकते हैं। सो खतरनाक है भाई, ऐसे जगहों पे अगर आप लोग आते हो घूमने के लिए तो ध्यान जरूर दें और इस पर बच के जरूर रहें, क्योंकि भाई दो बार ही सांप देखने को मिला हमको। एक बार अजगर देखने को मिला, दूसरा ये हरा कलर का जो सांप होता है ये देखने को मिला। और वो सब छोड़ो, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब ये हमारा इको पॉइंट इधर था, वहाँ से अभी हम निकल रहे हैं आगे जाने के लिए। तो चलो चलते हैं आगे, और बारिश का फुल मौसम हो रखा है तो फटाफट हम यहाँ से निकलेंगे और दो तीन पॉइंट घूमेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे वापस होटल। सो चलो गाइस आगे का पॉइंट देखते हैं। सो गाइस इको पॉइंट के बाजू में एक दूसरा पॉइंट है, अभी नाम नहीं पता, आगे जाके दिखाएंगे। और ये जो ट्रैक है ना भाई, खतरनाक है। ये बहुत बाइक का टायर कैसा स्लिप होता है वैसे पैर स्लिप हो रहा है। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, अगर बोर्ड लगा होगा तो मैं पॉइंट का नाम बताऊँगा, नहीं तो क्या करेंगे पॉइंट जान के। बस इको पॉइंट के बाजू में आओ और चले ही आओ। पर भाई मैं एक बता रहा हूँ, बारिश में आना तो भाई सांपों से बच के रहना, वो सांप है। अरे भाई पेड़ में बैठा हुआ था, पता नहीं कैसे नजर गया, किसका गया क्या पता। और ये भाई ये जगह जो है ना, मजाक चढ़ के इतना स्लिप हो रहा है ना भाई, अगर बैलेंस नहीं बना के रखोगे ना तो सीधा सीधा मतलब प्यारा हो सकते हो ऊपर वाले को। नहीं आगे वापस जाना है ना, जैसा आए वैसा वापस जाना है। यहाँ का व्यू और यहाँ का वाटरफॉल दिखाते हैं, चलो सच में ये झरने के पास ये आइए। दांत देखो भाई, दांत ही देखो मेरा और कुछ मत देखो भाई। खतरनाक वाटरफॉल है, जब हम वहाँ पे जाएंगे जो वाटरफॉल दिख रहा है ना वहाँ पे जाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा व्यू, कोशिश करेंगे हम आप लोगों को दिखा पाए, मतलब इतना हो सके हम लोग इतना व्यूज दिखाने की कोशिश करेंगे। चलो आगे करते हैं। सो दोस्तों अभी हम इको पॉइंट के उधर का दोनों पॉइंट घूमने के बाद हम आ चुके हैं वाटरफॉल पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी हम यहाँ से एकदम क्लियर देखेंगे। अरे भैंस के यहाँ अंदर जाने का अलाउड नहीं है, बंद कर दिया है। यहाँ से गेट था, यहाँ से बंद किया हुआ है तो अंदर जाने का अलाउड नहीं है। और यहाँ वहाँ नीचे से गाइस फुल वाटरफॉल देखने को मिलता है, जो कि अभी अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है। तो अभी जाने का कोई परमिशन नहीं है, अभी हम तालाब देखेंगे और वहाँ पर कॉल करेंगे। यहाँ से रास्ता था गाइस, यहाँ से जो कि ये फाइव देखो सिर्फ रखा हुआ है, यहाँ से रास्ता जाने का था जो बंद हो गया, पर वहाँ पे जो वाटरफॉल है ना, कोई भी सामान आप फेंकेंगे ना वो उड़ के वापस ऊपर आता था। तो अभी चलते हैं और आगे। दोस्तों फाइनली अभी हम आ गए यहाँ पे वाटरफॉल पास में ये, और ये बहुत बड़ा एक डैम जैसा है, डैम भी नहीं बोल सकते और बोल भी सकते हैं जो भी समझ लो, ये एक डैम जैसा है।
और अभी ऐसा मन कर रहा है अंदर उड़ी मस्त मारो नहा लू, पर नहीं यार नहाना नहीं। तो चलो गाइस थोड़ा थोड़ा सा मजे लेते हैं पानी के, आगे जा रही भीगने के लिए। मैं तो भीगूंगा नहीं बाबा, ग्यारह सौ नहीं भीगूंगा। ऊपर जाएंगे पब्लिक खड़ी उसके, वहाँ जाएंगे, वहाँ से दोनों साइड का जो मतलब पब्लिक खड़ी वहाँ से दोनों साइड का व्यू देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी फिर से खाली होना, मैं तो हुआ ही नहीं। वाह वाह कूल डांस गाइस। और यहाँ से अभी ये वाटरफॉल क्या ही खतरनाक लग रहा है यार पानी। तो गाइस जब हम ऊपर जाएंगे ऊपर से दोनों साइड का व्यू देखने को मिलेगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, अभी यहाँ से हम होटल पे जाएंगे क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है जिस हिसाब से मज़ा लेना था घूम के बारिश की वजह से। तो सुबह से धूप था और अभी बारिश होने लगा और शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और थोड़ा ऊपर का व्यू देखते फिर यहाँ से निकल जाएंगे। चलो तो ये तालाब काफ़ी बड़ा है गाइस, बहुत पानी जमा होता है और हमें यहाँ का व्यू देखो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू लग रहा है। सो दोस्तों ये सारा जो आपको व्यू देखने को मिला ये माथेरान का व्यू था और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं रिटर्न के लिए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, पहले तो मैं घर जाऊँगा क्योंकि माथेरान से मेरा घर सिर्फ मतलब माथेरान से नीचे उतरे में मेरा घर है। तो मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ से वापस कपड़े वगैरह लूँगा, फ्रेश होऊंगा और फिर वहाँ से मैं निकलूँगा महाबलेश्वर के लिए, जो कि महाबलेश्वर का वीडियो जो है वो सेकंड वीडियो रहेगा। ये मेरा अभी फर्स्ट जो अपना वीडियो सेकंड आने वाला है वो महाबलेश्वर का वीडियो आने वाला है। अभी हम जाएंगे महाबलेश्वर और हमारा 3 दिन का ट्रिप है महाबलेश्वर का, 3 दिन महाबलेश्वर में रहेंगे। सो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इसके बाद जो महाबलेश्वर का वीडियो लाएंगे वो भी देखना और वो भी बताना कि वो वीडियो कैसा लगा। फिलहाल ये पूरा वीडियो देख के ज़रूर बताएं आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि महाबलेश्वर के साथ में रहेगा। सो दोस्तों इतना ही बोलना था, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और चलो देखते हैं आगे। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक ही इतना ही था, तो मिलते हैं आप महाबलेश्वर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।